इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीनट बटर के बारे में और पीनट बटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो कैसे हमें मिल सकता है। क्या प्योरेस्ट पीनट बटर से हमारा वेट गेन होता है? इसका इस्तेमाल कैसे करें ज़्यादा बेनिफिट्स पाने के लिए? और सबसे आसान तरीका क्या है पीनट बटर के बेनिफिट्स लेने के? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें ही क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिन दोस्तों का बजट टाइट रहता है और बॉडी के ऊपर खर्चा नहीं कर पाते हैं ज़्यादा पैसे, लेकिन फिर भी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं लास्ट में एक अच्छा सा टिप्स दूंगा जिससे उनका बॉडी भी बनेगा और उनका ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होगा। उनके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 450 से 500 रुपये पर मंथ खर्चा होगा बस। पीनट का पौधा कुछ इस तरीके का दिखता है और इसमें फूल जो होता है वो येलो येलो कलर के फूल भी आते हैं। और ये जो है इसका डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। इसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे ग्राउंड नट्स, अर्थ नट्स, गूबर्स। इसकी उत्पत्ति साउथ अमेरिका के ब्राज़ील या फिर पेरू में हुई थी और ये अभी इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सब जगह ही मिलता है लगभग। इसे हिंदी में मूंगफली के नाम से जाना जाता है। हमारे इंडिया में मूंगफली जमीन के नीचे पैदा होता है, ऊपर इसका पौधा होता है, आप डायग्राम में देख ही चुके होंगे। अब हम बात करेंगे इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में। एवरी 100 ग्राम में कितना कितना होता है? 567 कैलोरी होता है हर 100 ग्राम मूंगफली में। टोटल फैट 49 ग्राम होता है जो कि डेली वैल्यू के 75% है। सैचुरेटेड फैट 7 ग्राम होता है। कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। सोडियम 18 मिलीग्राम होता है। पोटेशियम 705 मिलीग्राम होता है जो कि डेली वैल्यू का 20% है। कार्बोहाइड्रेट 16 ग्राम होता है जो कि डेली वैल्यू के 5% है। और डाइट्री फाइबर 9 ग्राम होता है जो कि डेली वैल्यू के 36% है। शुगर जो है वो 4 ग्राम होता है। प्रोटीन जो कि 26% होता है हर 100 ग्राम में जो कि 52% है डेली वैल्यू के। विटामिन सी 0%, कैल्शियम 9%, आयरन 25%, विटामिन डी 0%, विटामिन बी6 15%, मैग्नीशियम 42%। डेली वैल्यू का मतलब होता है कि एवरी डे नॉर्मल बॉडी में यूज होने वाले प्रोटीन्स की वैल्यू परसेंट। एक नज़र डाल लेते हैं कच्चे मूंगफली के 100 ग्राम के ऊपर। कैलोरी 567 ग्राम, वाटर 7%, प्रोटीन 25.8 ग्राम, कार्ब 16.1 ग्राम, शुगर 4.7 ग्राम, फाइबर 8.5 ग्राम, फैट 49.2 ग्राम, सैचुरेटेड 6.28 ग्राम, मोनो अनसैचुरेटेड 24.43 ग्राम, पॉली अनसैचुरेटेड 15.56 ग्राम, ओमेगा 6 15.56 ग्राम। कच्ची मूंगफली एक अच्छा सोर्स है विटामिन और मिनरल्स का भी। कच्ची मूंगफली एक अच्छा सोर्स है बायोटिन का और बायोटिन लेडीज़ों के प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। सेकंड पॉइंट है कॉपर। कॉपर एक मिनरल है और इसको मेडिकल लाइन में बहुत ही अच्छा माना जाता है हार्ट के लिए। थर्ड पॉइंट है नियासिन। नियासिन को हम विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं। नियासिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में और ये हमारे शरीर में हृदय रोग से जुड़े हुए जोखिम को कम करता है। फोर्थ पॉइंट है फोलेट। फोलेट को हम विटामिन B9 और फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और ये स्पेशली प्रेगनेंट लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा माना गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी के दौरान। फिफ्थ पॉइंट है मैग्नीज। मैग्नीज एक एलिमेंट है और ये ज़्यादातर पीने वाले जल और खाने वाले भोजन में पाया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है विटामिन ई और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये ज़्यादातर फैटी फूडों में पाया जाता है। सेवन्थ पॉइंट है थियामिन। थियामिन विटामिन बी में से एक है और ये विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर को हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो कि हमारे शरीर के फंक्शन के लिए ज़रूरी है, मेनली हार्ट मसल्स और नर्वस सिस्टम के लिए। एट पॉइंट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक मिनरल है और ये हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टिश्यूज़ का ग्रोथ और मेंटेन रखने में। नाइन्थ पॉइंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मिनरल है और ये हमारे शरीर में हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं और बीमारियों को रोकने में मदद करता है। ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स कच्ची मूँगफली के छिलके में पाया जाता है। नंबर वन है पी कॉम्ब्रिक एसिड, ये पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। सेकेंड पॉइंट है रेसवाट्रॉल। रेसवाट्रॉल एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर में कैंसर और हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। थर्ड पॉइंट है आइसोफ्लेवोनेस, ये भी एक श्रेणी का एंटीऑक्सीडेंट है पॉलीफेनॉल, ये हमारे शरीर के लिए कई प्रकार से लाभकारी होता है। फोर्थ पॉइंट है फैटिक एसिड। फैटिक एसिड ज़्यादातर पेड़ के बीजों में और फलियों में पाया जाता है।
ये बॉडी को हेल्प करता है आयरन और जिंक को एब्जॉर्ब करने में पीनट से यानी मूंगफली से, और अगर उसी दौरान हम दूसरा कोई खाना खाए हुए हों तो उसमें से भी आयरन जिंक को हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में बॉडी में। फिफ्थ पॉइंट है फाइटोस्टेरोल, ये मूंगफली के तेल में पाया जाता है और ये हमारे शरीर के डाइजेस्टिव ट्रैक में कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है। क्या ऑर्गेनिक पीनट बटर से शरीर का वेट बढ़ता है? कई सारे रिसर्च में पाया गया है कि ऑर्गेनिक पीनट बटर से हमारा वेट जो होता है वो मेंटेन होता है, कंट्रोल होता है। इट मींस अगर आप अंडर वेट हैं तो ये आपका वेट को एवरेज कर देगा, अगर आप ओवर वेट हैं तो उस वेट को लूज करके आपका एवरेज वेट कर देगा। ये आपके शरीर के ओवर वेट या अंडर वेट को एवरेज करता है, ये आपका वेट बढ़ाता नहीं है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे पीनट बटर के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऑर्गेनिक पीनट बटर का यूज़ करें, यानी कि आप उसको घर पे बनाएं। घर पर बनाना बहुत इजी है, मैं इस वीडियो में ही आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से बनाना है। ये 500 ग्राम कच्ची मूंगफली है, इसको हम रोस्ट करेंगे 350 फ़ारेनहाइट पर या 175 डिग्री के सेल्सियस पर लगभग 12 से 15 मिनट तक रोस्ट करेंगे, वो भी हल्की आँच में। अगर आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है फ़ारेनहाइट या टेम्परेचर के बारे में, इसका कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बता दूं हल्की आंच में इसको 12 से 15 मिनट तक रोस्ट कीजिए यानी आंच पर भूनिए। भूनने पर ये जब ब्राउनिश कलर हो जाएगा, अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए, तो इसका छिलका बहुत ही ईजिली निकल आएगा। आप किसी कपड़े में लपेट के इसको थोड़ा सा हाथ से हल्का हल्का घिसिएगा तो उससे इसका छिलका बहुत ईजिली उतर जाएगा। इसको ठंडा कर लीजिए, जब ये प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाए तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के हल्की स्पीड में ग्राइंड कीजिए। जब इसका इस तरीके से छोटा छोटा पीस हो जाएगा तो उसके बाद से आप इसको स्पीड थोड़ा बढ़ा के इसको थोड़ा और ज़्यादा स्पीड में थोड़ा और बारीक पीसिएगा। जब आप मिक्सर ग्राइंडर को टॉप स्पीड में घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा, और इसमें आप हनी भी मिला सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, हल्का सा मिठास के लिए। फाइनली आपको कुछ इस तरीके का पेस्ट देखने को मिलेगा जो कि पीनट बटर कहलाता है। रोस्टेड पीनट का पैकेट भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको भी डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। जो 500 ग्राम के करीब पैकेट है वो 70 से 80 रुपये के बीच पड़ता है, मैंने खुद इसको परचेस किया है। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है ग्राइंड करने के लिए और इसको पेस्ट बनाने के लिए, तो आप रोस्टेड पीनट को लेकर 50-50 ग्राम सुबह शाम किसी भी टाइम आप खा सकते हैं, उससे भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना कि इस पीनट बटर से मिलता है। अगर आप ये सब तामझाम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो सीधी सिंपल सी बात है कि आप कच्ची मूंगफली 50-50 ग्राम सुबह शाम खाएं, उससे आपको रोस्टेड पीनट से भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के बीच में बता चुका हूँ। रोस्टेड पीनट का पैकेट 1 किलो का लगभग 130 से 150 रुपये के बीच आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, और अगर आप कच्ची मूंगफली यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको 120 से 30 रुपये किलो में लगभग किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। ये आप मार्केट से इजीली ले सकते हैं और एक महीने में तकरीबन 3 किलो यूज़ होगा, क्योंकि 100-100 ग्राम अगर आप पर डे भी इनटेक करते हैं तो एक महीने में लगभग 3 किलो यूज़ होगा, जिसका इसका कॉस्ट पड़ेगा पर मंथ 450 रुपये। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे।